भूल कर भी औरत का यहाँ उंगली कभी मत डालना, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। भूल कर भी औरत के यहाँ उंगली कभी मत डालना, नहीं तो हो जाएगे बर्बाद और जीवन हो जाएगी आपके नरक। आखिर औरत के कौन सा जगह पर आपको उंगली कभी नहीं डालना चाहिए, गलती से भी कभी नहीं डालना चाहिए, क्यों नहीं डालना चाहिए, आखिर बर्बाद होने के पीछे कारण क्या है, मैं सारे कुछ आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप धन से, दौलत से और पैसों से पूरी तरह से परिपूर्ण रहे। मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इंसान जो है कभी कभी इतना गलती कर चुकते हैं, स्त्री के साथ में, औरत के साथ में कभी कभी ऐसा गलती का काम कर देते हैं जिसके कारण जो है वो बर्बादी का कारण बन जाते हैं। आखिर ऐसा इंसान को कभी भी शास्त्र के मुताबिक इस काम को कभी नहीं करना चाहिए। अगर होशो हवास में आकर के अगर ऐसा काम कर देते हैं तो आपका जीवन एक दिन नरक में तब्दील हो जाता है। और आप कहने के हिसाब से एक ही बात करते हैं कि मैंने किसी प्रकार का कोई गलती नहीं किया है, फिर भी मैं कंगाली का जीवन क्यों जी रहा है। तो आपको सबसे पहली बात जानना पड़ेगा कि आपने कौन सा गलती करते हैं, हमेशा स्त्री के साथ में क्यों ऐसा गलती करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र के अनुसार, हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार स्त्री को, औरत को माता लक्ष्मी का दर्जा दी गई है। इसीलिए औरत को और स्त्री को हमेशा सम्मान और आदर देना चाहिए, उसके साथ में कभी भी गलत हरकत नहीं करना चाहिए। अगर आप गलत हरकत करते हैं तो आपका जीवन जो है पूरी तरह से नरक में तब्दील हो सकता है। आखिर कौन सा चीज में आपको उंगली नहीं डालना चाहिए, स्त्री का कौन सा जगह में आपको उंगली नहीं डालना चाहिए, गलती से भी अगर आप डाल सकते देते हैं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगी और आपका हर काम में अड़चन आएगी। आप धन से, पैसों से हमेशा कंगाली का जीवन जी सकते हैं। आपका कर्ज से छुटकारा नहीं मिलेगी, कर्ज से पूरी तरह से मैंने फंस जाएंगे और कर्ज के दलदल से आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलती है। और आप ज्योतिषों और पंडितों के पास जाकर के आप अपना भाग्य जरूर दिखाते हैं, लेकिन आपका गलती का एहसास कभी भी नहीं होता है। तो मैं आज बताऊंगा कौन सा गलती आप करते हैं और स्त्री के कौन से जगह में आपको उंगली नहीं डालना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस चीज को बताने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको घर में धन दौलत की वृद्धि कैसे होगी, आपका घर में पैसों की कमी दूर कैसे होगी, उसकी उपाय क्या है। तो मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को पूरी तरह से हमेशा सकारात्मक, मतलब कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो। घर में हमेशा वास्तु का जो भी टूटा फूटा चीजें है उसको हमेशा घर से निकाल देना चाहिए। घर के अंदर में आप जो भी झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू को जो है हमेशा आपको छुपा करके रखना है, झाड़ू को हमेशा किसी को दिखावा नहीं करना है। अगर झाड़ू अगर घर के गलत दिशा पर रख देते हैं, घर के दरवाजे पर रख देते हैं, तो आपके घर में कर्ज का वृद्धि होगी, आपके घर में धन की बर्बादी होगी और नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो इसको काटने के लिए, इसको प्रभाव को, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए सर्वप्रथम मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं। वो उपाय है, आपको घर में प्रत्येक दिन सुबह और शाम के समय में धूना और गुग्गुल, यानी धूनी और गुग्गुल का आपको मिश्रण करके, उसमें थोड़ा सा कपूर हल्दी का मिश्रण करके सुबह शाम घर के अंदर में आपको धूनी दिखाना चाहिए। और धूनी दिखा करके माता के सामने या भगवान के सामने में आप उस धूनी को प्रत्येक दिन सुबह शाम रख दीजिए, तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा की बास नहीं होगी। किसी भी सोमवार के दिन में आप कोई भी अकवन के पौधे के पास में जा करके अकवन देवता को आमंत्रित करके उसकी जड़ को काट करके थोड़ा लेकर के आइए। उस जड़ को आप लाल धागे के सहारा में आप अपने बाजू पर भी धारण करें और घर के मुख्य द्वार में आप लगा दे। ये चीज अगर आप कर देते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है वो खत्म होगी, घर में धन दौलत की आगमन शुरू हो जाएगी और आपको अनायास कहीं न कहीं से आपका धन की प्राप्ति होते रहेगी। ये बहुत बड़ा टोटके है, इसको आप जरूर आजमाइएगा। बरगद का पेड़ को अगर
बरगद का जड़ी, अगर आप, क्योंकि बरगद का जड़ी में जो इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि आपको वो बरगद का जड़ अगर आपको सही समय में, सही मुहूर्त में अगर आप लेकर के आते हैं, यानी आपको सोमवार के दिन में या पूर्णिमा के दिन में अगर उस जड़ी को लेकर के आते हैं और घर के मुख्य द्वार में अगर बांध देते हैं, तो निश्चित तौर से आपका घर में कभी भी जो है धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी दौलत की कमी नहीं रहेगी। ये चीज निश्चित तौर से जान ले। गुरुवार के दिन में हमेशा जो है सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन करने के साथ साथ में किसी भी प्रकार का गरिष्ठ भोजन या किसी प्रकार का नॉनवेज वगैरह का इस्तेमाल घर में ना करें। बृहस्पतिवार के दिन में आपको दाढ़ी हो, चूल हो, नाखून हो, ये कभी भी बनाना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि इसको करने से आपका नकारात्मक ऊर्जा की बास होती है और जिसके कारण मन मति खराब हो जाता है। मित्रों, अब मैं बताने जा रहा हूं कि इंसान को या आदमी को कभी भी गलती से स्त्री का इस अंग में कभी भी जो है उंगली नहीं डालना चाहिए। आखिर क्यों नहीं डालना चाहिए, कौन सा अंग है? तो मित्रों, इस चीज को बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो पहली बार आए होंगे, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सारे वीडियो आप हमारे देख सकते हैं। मित्रों, औरत जो होती है वो लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है शास्त्र के हिसाब से, लेकिन औरत का कुछ कुछ अंग में ऐसी देवी देवता की वास होती है, अगर उस चीज को अगर आप छेड़ देते हैं तो निश्चित तौर से उस देवी देवता आपका ऊपर रुष्ट हो जाएगी और आपके ऊपर पाप लग जाएगी और आप पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकते हैं। आप कंगाली का जीवन हो सक व्यतीत कर सकते हैं, आपका जीवन नरक में तब्दील हो सकती है, इसीलिए ऐसा गलती कभी ना करें। तो मित्रों, होशो आवास में या आप आवेश में आकर के स्त्री के साथ में आप कभी भी जो गलत हरकत ना करें, और स्त्री का नाभि में जो है माँ काली की वास होती है, स्त्री के नाभि में माँ काली की वास होती है और रात के समय खास करके उसमें माँ काली की वास होती है, इसीलिए कभी भी स्त्री की या औरत के नाभि में कभी भी उंगली नहीं डालना चाहिए। अगर आप ऐसा डालते हैं, ऐसा करते हैं, तो आपका जीवन बर्बाद हो सकती है, आपका जीवन कंगाली की ओर जा सकती है, यह हमारी शास्त्र बोलता है। इसमें बड़े बड़े जो महारत हासिल कर चुके शास्त्र में, जैसे चाणक्य है, गुरु शुक्राचार्य है, उन्होंने भी ऐसा बात बताए हैं। उनकी बात को स्मरण करके अगर आप मानते हैं इस चीज को, तो कदापि ऐसा काम ना करें, तभी आपका जो जीवन जो है पूरी तरह से उज्जवल होगी और जीवन में आपको सफलता मिलेगी। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माँ तारा। खुश रहे, सुखी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, यही मैं यही ईश्वर से कामना करता हूं। हर हर महादेव।